एयरपोर्ट से वो सीधे पुलिस स्टेशन जाती हैं टू लॉज अ कंप्लेंट। पूछताछ करने पर भी कोई क्लू नहीं मिलता। सिंपथेटिक पुलिस ऑफिसर राणा विद्या की मदद करता है। दे डिस्कवर दैट अर्नब रिजेंबल्स समवन एल्स एंड दैट माइट बी द रीजन फॉर हिज डिसअपीयरेंस। लेकिन नथिंग इज व्हाट इट सीम्स। विद्या के मिसिंग हस्बैंड का केस और भी उलझने लगता है। सारे क्लूज भी डिलीट होने लगते हैं। किस तरह विद्या और इंस्पेक्टर राणा इस केस को सुलझाते हैं, दैट्स द कहानी ऑफ दिस कहानी। माय हस्बैंड इज मिसिंग। आपका हस्बैंड मेरे कंपनी में नहीं आया। आए थे, मैंने ही उन्हें भेजा। कोलकाता डेंजरस सिटी, मैडम लौट जाइए। मुझे बस अपने बच्चे के लिए जवाब चाहिए कि उसके पिता के साथ क्या हुआ। Vidya Balan, fresh from the super success of The Dirty Picture, nazar aayengi in the role of Vidya Bakshi. She's perfectly cast as a pregnant woman searching for a husband. Unke character ke chalne ka andaaz, unke expressions aur unka dard aur aansu, all brilliantly enacted by this powerhouse of a performer. Kai jagahon par aapko unki subtlety aur spontaneity nazar aayegi. Her portrayal of pain, sorrow and elation are a treat to watch. Vidya is the focal point of this kahani and her performance is worth raving about. Ek baar phir unhone sabit kar diya why she is regarded as one of the finest actresses in the country today. Main apne husband ko dhoond rahi hu, please madad kar dijiye. Agar aapne mujhe nahi pata to phir mujhe kaise pata? Itni aasani se nahi milenge. कहानी के राइटर डायरेक्टर हैं सुजॉय घोष। यू माइट रिमेंबर हिम एज द डायरेक्टर ऑफ झनकार बीट्स एंड अलादीन। पहली बार सुजॉय ने एक थ्रिलर डायरेक्ट किया है एंड ही डज अ फैब जॉब। कोलकाता शहर की क्राउडेड सड़कों से लेकर इट्स सीडी अंडरबेली हैव बीन वंडरफुली कैप्चर्ड व्हिच एड कैरेक्टर टू द फिल्म। द स्क्रिप्ट इज वॉटर टाइट और कैरेक्टराइजेशन सुपर्ब है। द बैकग्राउंड स्कोर एंड लाइटिंग हैव बीन इंटेलिजेंटली यूज्ड कीपिंग इन माइंड द जॉनर ऑफ द फिल्म। अगर सुजॉय घोष के टैलेंट पर किसी को शक था देन दे विल बी साइलेंस्ड बाय दिस फिल्म। मुझसे रोज वो यहीं से बात करते थे सर। क्या सर 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 लगा रखा है, मुझसे बात कीजिए ना। तोरे बिना सूखा सूखा सावन, तोरे बिना घारी घारी बतियां, तोरे बिना। वो तो कोई कहानी है जिसको आप सच मान रहे हैं। सब झूठ क्यों हो रहा है ये मुझे नहीं पता। कहानी का म्यूजिक दिया है विशाल शेखर ने। इस तरह की फिल्म का म्यूजिक उन्होंने शायद पहली बार दिया है। यू माइट थिंक दे कांट पुल इट ऑफ, लेकिन दिस टैलेंटेड कंपोजर्स ब्रिंग अ प्लेजेंट सरप्राइज। अमी शौत्री बोलचे को गाया है उषा उत्तप ने। इस हैवी मेटल ट्रैक में बंगाली फ्लेवर है एंड इट ब्रिंग्स आउट द अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द सिटी ऑफ कोलकाता। पिया तू काहे रूठा रे इज हार्ड रॉक विद अ मिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जावेद बशीर ने इस गाने को बहुत फीलिंग से गाया है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमिताभ बच्चन रेंडिशन ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर्स एक तो चलो रे इज इंस्पिरेशनल। ओवरऑल कहानी का म्यूजिक डिफरेंट है और फैंटास्टिक है। दिल का बाजार है थोड़ा बिजार है, कोलकाता ख्वाहिशों और मानों का अचार है, जितने भी दूर जाओ दिल से ना पार है, कोलकाता देखो तो बाकी दुनिया बेकार है। स्ट्रॉन्ग है पावरफुल है फिर भी लाचार है, बिल्कुल नया है फिर भी बीते कल में गिरम। महके बदन मेरे सजन तेरी ही तो या
यादों के सहारे सूखा गगन बदरा नयन बहते रहे कजरा के धारे कहानी का यूएसपी है उसकी कहानी यानी कि स्टोरी एंड ऑफ कोर्स विद्या बालन एज वेल फिल्म काफी ग्रिपिंग है एंड यू विल बी ग्लू टू योर सीट्स शुरू से फिल्म आपको पूरी तरह इन्वॉल्व करती है कास्टिंग बहुत अच्छी है एंड द एक्टर्स प्लेइंग द कैरेक्टर्स ऑफ खान एंड बॉब बिस्वास आर वेरी गुड कोलकाता शहर को बहुत अच्छे से कैप्चर किया है एंड इट एड्स टू द अपील ऑफ द फिल्म बहुत सारे थ्रिलिंग मोमेंट्स हैं एंड द डिसर्निंग व्यूअर माइट बी रिमाइंडेड ऑफ द हॉलीवुड फिल्म द यूजुअल सस्पेक्ट्स इन पार्ट्स द स्क्रीन प्ले इज टॉट and the dialogues are very cleverly used, revealing valuable information. Second half mein pace thoda drop hota hai, but that will be nitpicking because it leads to a hugely satisfying and unpredictable climax. Ye kahani aap zarur sunna aur dekhna chahenge. Kahani ko main deta hoon 4 stars. So friends, ye tha kahani ka mera verdict aur ratings. Google use karke, let's find out ke baaki log kya kehte hain is kahani ke baare mein. All you have to do is go to the Google website and type in the film's name in the search bar. It's that simple. Dosto, don't go anywhere as we return with the reviews of Chaar Din Ki Chandni and The Wow. Stay tuned.